पल पल दिल के पास ट्रेलर की खास बातें क्या हैं और सनी देओल का फेमस डायलॉग तारीख पर तारीख करण देओल से क्यों बुलवाया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सनी देओल के बेटे करण देओल की डेब्यू फिल्म पल पल दिल के पास का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में करण के साथ सहर बांबा डेब्यू कर रही हैं। ट्रेलर से कहा जा सकता है कि ये एक क्यूट सी रोमांटिक लव स्टोरी है। इस फिल्म का निर्देशन खुद सनी देओल ने किया है। रोमांटिक ड्रामा फिल्म पल पल दिल के पास 20 सितंबर को रिलीज हो रही है, जिसका फैंस काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सनी देओल के दुनिया में देश भर में काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं कि सनी देओल के बेटे स्क्रीन पर कैसे लगेंगे और वो किस तरह से अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरेंगे। वेल, सनी देओल खुद भी इस फिल्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं। फिल्म को सनी साउंड्स और जी स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया है। इसकी ज़्यादातर शूटिंग मनाली में की गई है। सबकी उम्मीदों से अलग सनी देओल अपने बेटे को एक्शन फिल्म नहीं बल्कि रोमांटिक फिल्म के साथ लॉन्च कर रहे हैं। ट्रेलर की अगर बात करें तो ट्रेलर एडवेंचर और रोमांटिक लम्हों से भरा है। ये एक एडवेंचर ट्रिप की कहानी है जहाँ हीरो हीरोइन को एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास होगा। सुपरस्टार धर्मेंद्र ने भी अपने पोते करण देओल की डेब्यू पर उत्साह जताया है। उन्होंने एक पोस्ट लिखा है, पल पल दिल के पास में करण देओल और सहर ने काफ़ी अच्छा काम किया है और दोनों को उनकी पहली फिल्म के लिए शुभकामनाएं। सनी देओल के बेटे हैं करण देओल, लेकिन उनका चेहरा ऐसा है कि शांत रहते हुए भी लगेगा कि वो स्माइल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी ऐसा फोटो या वीडियो पब्लिकली नहीं आया है जिसमें उनका एक्सप्रेशंस गुस्सा टाइप दिख रहा हो या वो आंख नटेर रहे हो। लेकिन उनका एक वीडियो आया है जिसमें आप उनकी पर्सनैलिटी का दूसरा साइड भी देख सकेंगे। इस वीडियो में इमोशनल कर देने वाली बात भी है। इस लाइव सीन के दौरान करण के सामने उनके पिता भी हैं, मतलब सनी देओल। दोस्तों, सनी देओल की फिल्म दामिनी जो 1993 में रिलीज हुई थी, फिल्म का एक फेमस डायलॉग जिसे सनी देओल ने बड़े ही जोर शोर से बोला था और सभी को ये डायलॉग भी काफ़ी पसंद है, तारीख पे तारीख। लेकिन इसी डायलॉग को करण ने अलग ही एक्सप्रेशन के साथ बोला है। जी हाँ, करण देओल अपनी फिल्म पल पल दिल के पास के प्रमोशन के लिए सनी देओल के साथ एक टीवी प्रोग्राम में पहुंचे। प्रोग्राम का नाम है डांस इंडिया डांस। इसी के मंच पर करण देओल ने इस डायलॉग को अपने पिता सनी की टोन में कुछ ऐसा कहा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 20 सितंबर को पल पल दिल के पास आने वाला है, प्लीज़ गो वॉच। ये पूरा शो तो आपको Z5 पर ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब आते हैं पल पल दिल के पास फिल्म पर। इत्तेफाक देखिए कि इस फिल्म का नाम 1973 में आई धर्मेंद्र की फिल्म ब्लैकमेल के मशहूर गाने पल पल दिल के पास कोई रहता है से लिया गया है। अगर मेकर्स की माने तो ये एक रोमांटिक फिल्म होगी जिसमें एडवेंचर का तड़का होगा, इसीलिए फिल्म को एडवेंचरस लव स्टोरी बताकर प्रमोट किया जा रहा है। इस फिल्म से सनी के बेटे करण देओल फिल्मों में डेब्यू कर रहे हैं। करण और सहर बांबा दोनों की ही ये पहली फिल्म है। जैसा कि हमने बताया, सनी देओल अपने बेटे की पहली फिल्म खुद ही डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि ये तीसरी फिल्म है जिसे सनी देओल डायरेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले वो दिल लगी 1999 में और घायल वंस अगेन 2016 में डायरेक्ट कर चुके हैं। तो अब ये देखना काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा कि एक तो सनी देओल के बेटे इस फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं, ऊपर से उनकी डेब्यू फिल्म को खुद उनके पिता यानी कि सनी देओल ने डायरेक्ट किया है, तो लोगों को फिल्म से जाहिर है कि उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। वेल, आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।